आदेशित किया है, भोजपुरी की वानगी मैं आपके बीच रखूं। इसके पहले मैं बताऊं सज्जनों, मेरा कहना अक्सर मैं कहता हूं, तमाम चैनलों से भी आपने सुना होगा, पूरे विश्व की सबसे समृद्ध भाषा भोजपुरी है। एक एक शब्द के 30-40 नाम केवल भोजपुरी में है, और पूरे विश्व में कहीं बच्चा पैदा होते ही भोजपुरी बोलता है, बाद में कोई भाषा वो बोले। इंग्लैंड में, अमेरिका में कहीं भी बच्चा पैदा होते ही जब रोना शुरू करता है तो कहता है कहाँ कहाँ कहाँ, ये भोजपुरी है, ये ना भोजपुरी है। इंग्लैंड में बच्चा पैदा होगा क्या कहे यार वे यार वे यार, नहीं कहेगा, बाद में उसको सिखलाया जाएगा तो वो दूसरी भाषा बोले। मैं कहता हूँ आपको बता दूं प्रमाण स्वरूप, सर को शरीर से जोड़ने वाली बीच की जगह मात्र 2 इंच, लेकिन भोजपुरी में इसके 10 नाम है, गौर गर्दन गतई नतई नरेची कौन घेच घाची घघल्ला फफल्ला। अगर आप लोग भोजपुरी समझते हैं तो जोरदार समर्थन की, भोजपुरी इतनी समृद्ध है, दर्द हो रहा हो अंग्रेजी का कोई विद्वान होगा कहेगा पेन हो रहा है, भोजपुरी वाला कहेगा गौरता पथता चंकता टपकता छेदता बेधता करता अमरता झिझिनाता दुखाता मिमोरता ऐसा। अच्छा है, इतनी समृद्ध है भोजपुरी। मैं 4 पंक्तियां केवल भोजपुरी के रखे एक टेस्ट लेता हूँ आपका, अभी देखिए तमाम ये मोबाइल से ही सारे लोग धीरे धीरे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं 4 पंक्तियां यहीं से रखता हूँ, बात आप तक पहुंचेगी तो एक कविता भी रखूंगा कि खेत के हूँ अवरी के बोता केहू, खेत के हूँ अवरी के बोता केहू, बोझा बीमारी के ढोवता केहू, और रिंग टोन आयल मोबाइल में ऐसा की बाजत केहू के अक्टूबता केहू। भाई क्या कहने, आप समझ रहे हैं मेरी बात, वाह वाह। मैं टेस्ट ले रहा था थोड़ा सा, देखिए अब चूंकि आपकी भोजपुरी और हमारे देवरिया गोरखपुर की भोजपुरी थोड़ी सी भिन्नता होगी, लेकिन बात आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। 4 पंक्तियां और अक्षर सुनिएगा कि बुढ़ियों करिया बार रंगा के छटवावे ले पट्टी, बुढ़ियों करिया बार रंगा के छटवावे ले पट्टी, अब बुढ़ो लागल मेहंदी पोते बार बुझाला चट्टी, बुढ़ियों करिया बार रंगा के छटवावे ले पट्टी, अब बुढ़ो लागल मेहंदी पोते बार बुझाला चट्टी, अब देखा देखी फैशन के ही आए अजब बीमारी, नक भवनी कंडेरी सबरो बन गई नी बरकती। अच्छा लग रहा है आपको, दादा ताली पीट पीट के हंस रहे हैं, 3 बार तो चश्मा साफती है, पता नहीं हमको देखने के लिए चश्मा साफती है कहीं मन पाओ किसी का। अच्छा लग रहा, एक कविता मैं छोटी सी कविता आपके बीच रखता हूँ, सुनिएगा। ये घटना का जिक्र करते हुए हमारे यहाँ, चूंकि आदरणीय राजनीतिक लोग भी मंच पर हैं, क्षमा कीजिएगा, हमारे यहाँ एक मंत्री जी, अब बिना नाम रखे कहूंगा आपको अच्छा लगे, मंत्री जी एक बहुत बड़ा आयोजन करवाए, नाम रखा गया प्रीतभोज, 50,000 की भीड़ शामिल थी और खाने पीने की जो व्यवस्था की गई थी बफर सिस्टम से, मैंने उसी का जिक्र किया है एक कविता के माध्यम से, आप सुनिए। ये धीरे धीरे आप लोग आइए, आराम से बैठते जाएंगे, ये खाली पड़ी जगह हमको भी खा रही है, लेकिन धीरे धीरे खबर कीजिए आप, सुनिए। अरे बिना शोर किए आप बैठे तो अच्छा रहेगा, अब इतनी भी भीड़ ना हो जाए पता चले पीछे से ये सारा। तो बैठ जाने तो बैठ जाने, बिना शोर किए आराम से, आराम से बैठिए। अरे वो बल्ली बल्ली मत, उधर से धक्का मत दीजिए, नहीं तो ये बेचारे अकेले खड़े हैं पूरा पोर्शन लिए। अरे बस बस बस, अब जगह भर गई, अब पीछे के लोग पीछे ही रहे, खुशियत पर कंट्रोल कीजिए। चलिए कुछ हद तक ठीक भी हो गया, सुनिए। बैठ जाओ दोस्तों, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, इतना खूबसूरत माहौल है, आराम से आराम से, आप भी बैठ जाइए। सुनिए, बैठ जाओ बेटा, जल्दी बैठ जाओ, ये भगदड़ हमारे ही समय में होना था क्या? सुनिएगा, एगो प्रीत भोज में भाई, एगो प्रीत भोज में भाई, गैनी का सबसे बतलाई, एगो प्रीत भोज में भाई, गैनी का सबसे बतलाई, वहां जाके हमारा कवन कवन दुख झेले के पड़ल, रहे मंत्री जी के खर्च कैली घूम घूम रिसर्च, और खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल, जुटल कई हजारों लोग, जुटल कई हजारों लोग, हमरा देखते भय रोग, और सतहु भीड़ देख के डर है, कहली भाग चले के घर है, भैया कहले अब है रूक हार बोल या भीतर ढूक, लेकिन ढूक बात यहाँ तो आपके बताई, भोजपुरी के बहुत सिंपल शब्द है, कहीं 50 लोग के भर्ती रह, 500 लोग लाइन लगा के खराब है, अधिकारी कुल घबरा के बाहर एगो स्लिप लिख ले, कृपया कम से कम शब्दों का प्रयोग करें, अंग्रेजी वाला गई ले मे आई कमिंग सर, कहने गेट आउट,
हिंदी वाला बोले श्रीमान जी अंदर आ सकता हूँ, पहले बाहर चलिए। ऐसे संस्कृत वाला ऐसे बारी बारी से कई लोग, भोजपुरी वाला पर्दा हटौलस ढूकी बोले ढूक भर्ती हो गए। इतना कम शब्द में कोनो काम चला ही नहीं सकी। ऐसे बहुत समृद्ध भाषा भोजपुरी है। भैया कहना अब है रूप, हारा बोल या भीतर ढूक, कहनी बारा तुह देवता, लो हमरो लिखवा धन्यवता। तबले पीछे से धकियावो, देखली ढेर लोग के आवो, चहनी बामे दहिने हेल, बाकी ऐसा आदमी ठेल हो गई दीघा भर आगे, लागो लोग निहुरिये भागे। आ गिरल गेट टूट के ओकरे ऊपर हेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। अंदर के स्थिति धैल रहे प्लेट सजा के, लागल भागे लोग उठा के, कहीं सब्जी कहीं पूरी कहीं पुलाव कहीं तंदूरी, जे बरियार रहे धकियावे, जे लम्हर रहे उपावे। आयल पुलिस तले पचासन, आयल पुलिस तले पचासन, लागल लोग करे शीर्षासन, पैर ऊपर मुड़ी नीचे। आयल पुलिस तले पचासन, लागल लोग करे शीर्षासन, आ जे मुड़ी पर डंडा पावे, वो लागे गटे सुतकावे। जेकरे कान्हे ऊपर छुआ जा, उ लोभा के कगरिया जा। जे गोरे पीठी पर खाई, लोकरे हरदी भांग छपाई। आ केहू खून चुबावत आवे, केहू टूटल दांत दिखावे, केहू अकड़े लागल पुलिस के ढकेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। बहुत अच्छा। अब तरतर टूटे लगल प्लेट, ना भइल भोजन से भेट, आ जे जे रहे ढेर भुखाइल, असली हुए लो हुकाई। आ हम तंदूरी पौली एक भगनी इज्जत बड़ाई लेके, भैया लो लगौने आगे, देखते पुलिस लगले भागे। कहली चला कचौड़ी माग, कहले दू म पहले भाग। कहो इहे है प्रतिभोज, पंखा पीठ हो गल सोज। हम कहली ई बफर कहाला, आ कुकुर ऐसा आदमी खाला। हम कहली ई बफर कहाला, कुकुर ऐसा आदमी खाला, आ केहू कहला गोरुआ खार, इहो देख ली हम आज। आ छीना झपटी धक्का मुक्की, जेसर होई उहे ढूकी। आप लोग बफर सिस्टम अगर खाने गए होंगे तो एक तरकीब आपको बताता हूँ, यही नुकसान है। बफर सिस्टम में जाइए पैंट शर्ट पहन कर, और कोई आदमी कुर्ता धोती कुर्ता पजामा वाला मिले, उसके पीछे खड़ा होकर खाइए, प्लेट सरकाइए, कुर्ता उठाइए, हाथ पोछिए, आराम से जाइए। ये सूत्र है, इसकी खोज हमने की है। यही सूत्र है कि छीना झपटी धक्का मुक्की, जेसर होई उहे ढूकी, और जे शरमाई ओकरे खलिहे पेटे खेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। आखिर करी वहाँ रहे व्यवस्था नीके, बाकी का कहीं आदमी के, नेता 20 जने का रह है, वहाँ 80 आदमी ढह है। अब कुछ लोग सुने आए गाना, बाकी खाए लागल खाना। हमारे जिंदगी भर ना भूली, केहू खुश रहे चाहे फूली, अब पीछे लौटे खातिर जोर लगा के खेले के पड़ल, खाली खेले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। बहुत बहुत धन्यवाद।